चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन जोरों पर चल रही है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि नदियों के घाटों पर पोकलेन व जेसीबी मशीन लगाकर रेत उत्खनन कर रहे हैं। बावजूद इसके अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जिससे शासन को प्रतिदिन लाखों का चूना लग रही है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। इस क्षेत्र के नदियों के घाटों को पोकलेन व जेसीबी मशीनों के द्वारा उनके हृदय को छल्ली कर दिया जा रहा है। नदी के रेत को डंफरों में यूं ले जाया जा रहा है जैसे उनकी निजी संपत्ति हो। जिले में बैठे खनिज विभाग के अधिकारियों को ऐसा नहीं है कि इस अवैध रेत खनन की जानकारी नहीं होगी, पर वे भी धृतराष्ट्र की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब पूरे डबरा तहसील में एकमात्र घाट का परिसीमन बनवाकर पूरे तहसील के नदी के घाटों से अवैध वसूली जारी किया जा रहा है। वही डंफरों का हजारों रुपए अवैध तरीके से वसूला जा रहा है, और जिस ग्राम पंचायत में ये रेत माफिया खुदाई कर रहे हैं उस ग्राम पंचायत को सूचना देना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीबों को हो रहा है जिन गरीबों का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है, जिनके पास मनमानी तरीकों से रेत की वसूली किया जा रहा है। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के चंदली, महादेवपली, परसदा, काशीदीही, गोपालपुर, बिलायगढ़, रिसोरा, डबरा क्षेत्र के कई गांव तथा अड़भाड़ के नदियों से ये रेत का अवैध कारोबार चल रहा है, पर पता नहीं किसका भय जिले में बैठे अधिकारियों को है जो इन काले कारोबारों पर कार्रवाई करने से डर रहा है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे जिस गांव के नदियों के घाट से अवैध तरीकों से रेत निकाल रहे हैं वहां के ही लोगों से रेत की राशि मांगी जा रही है। चंद्रपुर डबरा तहसील क्षेत्र में सिर्फ एक ही घाट के रेत निकालने की अनुमति उनके द्वारा शासन से लिया गया है, जिसमें कि उक्त घाट में भी रेट निर्धारित है, मगर वे यहां भी मनमानी रवैये अपना रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि इन नदियों के घाटों की रक्षा करते हुए इन रेत माफियाओं पर कार्रवाई करें। पर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के डबरा तहसील के बरगुड़ा चारपाली में रेत खदान की जिम्मेदारी एक ठेकेदार को शासन द्वारा सौंपा गया है, पर ये ठेकेदार के आदमी रेत का ठेका दूसरी जगह का मिला है और वसूली दूसरी जगह की मनमानी ढंग से वसूल रहे हैं। राशि तो मनमानी वसूल रहे हैं, ऊपर से शासन का रॉयल्टी रसीद नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों को दो चार गुना दामों में रेत खरीदना पड़ रहा है। ऊपर से ये रेत खदान के ठेकेदार नदी घाट में पोकलेन जेसीबी से रेत निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी इनके द्वारा पर्यावरण की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, क्योंकि सूत्रों की माने तो किसी भी नदी घाट में मशीनों द्वारा रेत का उत्खनन नहीं करना है। ऐसी पर्यावरण विभाग के गाइडलाइन कहती है रेत घाट में कितने इंच तक रेत निकालना है, इसकी भी पर्यावरण विभाग से एक दिशा निर्देश दिया गया है। पर जांजगीर चांपा जिले के डबरा विकास खंड में इसकी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रेत माफिया अपने पूर्व पहुंच का फायदा उठाते हुए अपने तरीकों से काम कर रहे हैं और शासन प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। नव पदस्थ जांजगीर चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना होगा और डबरा तहसील तथा अड़भाड़ क्षेत्र में नदियों में हो रही घाटों में अवैध रेत उत्खनन को रोकना होगा और इन नदियों के पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। तो जानकारी नहीं है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सब, मेरे को आज पता चला है कि आज जैसे भी डंफर ओकलेन लगा है करके, बाकी मेरे को पता नहीं था। नहीं, यहाँ पर डंफर और ट्रैक्टर में 700 रुपये से 1000 रुपये लिया जा रहा है, तो इसके लिए आप कभी ध्यान दिए? मैं ध्यान ही नहीं दिया हूँ, मेरे को पता नहीं था कि चल रहा है, टेंडर में है करके बोल रहे थे इन लोग, और मेरे को पता नहीं था, मैं देखा भी नहीं था टेंडर के कागज वागज कुछ है करके। तो टेंडर इनके पास है क्या, देखे नहीं है कागज को? नहीं देखा। तो अब आपके सामने में पोकलेन खड़ा है और सब आपके सामने आ चुका है, आगे आप कार्रवाई करेंगे? तत्काल करेंगे, तत्काल करेंगे, थाना जाएंगे अभी। चंद्रपुर से कमल अग्रवाल की रिपोर्ट, ACN 24।